अच्छा, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है एडोब फोटोशॉप के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एडोब फोटोशॉप का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एडोब फोटोशॉप है क्या? एडोब फोटोशॉप एक ऐप है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एडोब की तरफ से यानी बनाया गया है। ठीक है, एडोब की वेबसाइट की तरफ से। एडोब इलस्ट्रेटर तो आप जानते होंगे, एडोब बिहेंस की वेबसाइट को आप जानते होंगे। तो ये सारे जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे एडोब की तरफ से है। तो वो फोटोशॉप भी सेम एडोब की तरफ से ही है। और ये टूल क्यों यूज होता है? ये टूल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज। अगर आप पिक्चर एडिटिंग जानना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानना चाहते हैं, आप इलस्ट्रेशन को कैसे एडिट करते हैं, इलस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं, और टेक्स्ट के ऊपर थोड़े बहुत फॉर्मेट ऐड करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये सारा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है। सिर्फ ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है ये टूल। आज सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मैसेज करें जरा। हाँ, सब लोग मैसेज करें आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। जिनको क्लियर नहीं है वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मे बी इंटरनेट का इशू हो, दैट्स व्हाई आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर ना आ रही हो। चलें, मैं बता रही थी कि एडोब फोटोशॉप यूज किस लिए होता है। एडोब फोटोशॉप यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज के लिए। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो भी एडिटिंग रिक्वायर्ड है वो सारी फोटोशॉप हमें कर देता। अच्छा, इसका नाम फोटोशॉप है, सो इससे आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आप पिक्चर एडिटिंग करते हो तो उसके लिए ये टूल बेस्ट है। ठीक है, पिक्चर एडिटिंग के लिए ये टूल बेस्ट है। तो डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टूल्स को भी डिस्कस करेंगे और सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहला स्टेप है कि हम लोगों ने इसको डाउनलोड कैसे करना है। और पहले तो मैं ये बताऊं कि डाउनलोड करना ही क्यों है, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में क्यों आना चाहिए, ये फील्ड जरूरी क्यों है, और इसमें आप लोगों का स्कोप क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड इस वक्त मैं समझती हूँ सबसे आसान फील्ड है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत लोग एंटर हो रहे हैं। सारे कह रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन कोई ज्यादा नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट नीश है। आप अपनी एक स्किल यानी एक ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा दरिया, आप उसमें से एक चीज सिलेक्ट कर लो जो आपको इंटरेस्ट यानी आपको अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक एडोब इलस्ट्रेटर जानते हो, तो एडोब इलस्ट्रेटर जानते हो या ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो प्रॉपर, और आप उसमें सिर्फ एक स्किल है लोगो डिजाइनिंग। अब लोगो डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर लो अपनी स्किल को, और लोगो डिजाइनिंग के ऊपर ही वर्क करो। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें से लोगो डिजाइनिंग एक छोटी सी स्किल है। अब अगर लोगो डिजाइनिंग की बात की जाए तो लोगो डिजाइनिंग की भी तो आगे उससे टाइप है। ये देखें, लोगो डिजाइनिंग की भी टाइप्स है। तो आप किसी एक फील्ड को या एक स्किल को या एक स्किल के अंदर से भी एक पार्ट को पकड़ लो तो आपकी जो स्किल है वो एक बिल्कुल नीश में चली जाएगी, मतलब एक उसकी नीश बन जाएगी कि आपने सिर्फ एक ही फील्ड पे काम करना, और वो भी कोई यूनिक सी फील्ड होगी। अब हर किसी को तो बिल्कुल सिंपल लोगों तो नहीं ना चाहिए होता, हर किसी की अपने अपने कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ फ्रीलांसिंग की, तो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। किसी को वर्ड मार्क चाहिए, किसी को लेटर फॉर्म चाहिए, किसी को मोनोग्राम चाहिए, किसी को सैंपल के साथ चाहिए और किसी को सैंपल के बगैर चाहिए। तो आप लोग एक फील्ड सिलेक्ट कर लो और उसको आगे लेके चलो। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको यही मोटिवेट करूंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आप अपनी मर्जी की एक स्किल सिलेक्ट करो और इसमें पार्टिसिपेट लाजमी करो। ठीक है, तो फोटोशॉप को आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोशॉप को डाउनलोड करने का क्या तरीका है? और पहली बात मैं ये बता दूं, जो फोटोशॉप की क्लासेस हैं उसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। फोटोशॉप डाउनलोड करते वक्त आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है या जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो माइक पर क्लिक करें। अच्छा, फोटोशॉप डाउनलोड करने से पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन कैसे पता चलेंगी? आपने जिस पीसी पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, देन आपने प्रॉपर्टीज पर जाना है। ठीक है, जिस पीसी पर क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना।
प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपके डिवाइस की, मतलब जो आप यूज कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो होगी, और अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन यहाँ शो होगी, ठीक है। आपकी रैम कितनी है, आपका प्रोसेसर कितना है, आपका डिवाइस आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट की कौन सी है, विंडो कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली जाना है वेबसाइट पर गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है जहां पर आपको हर किस्म का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। गेट इनटू पीसी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप ओपन करो गूगल पर लिखने के बाद, ये गेट इनटू पीसी की वेबसाइट है। मैं इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, इधर से आपको किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पर पेस्ट करी हूँ चैट में, आप लोग ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सर्च में आप लोग लिखोगे फोटोशॉप, ऑब्वियसली हम लोगों ने फोटोशॉप डाउनलोड करना है, यहाँ पे सर्च पे लिख के फोटोशॉप, आप गो पर क्लिक करोगे या एंटर प्रेस करोगे। फोटोशॉप क्लिक कर लिया, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है हम लोग फोटोशॉप का कौन सा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरी रैम है 32 GB, ठीक है, और उसके बाद मेरा जो प्रोसेसर टाइप है वो है 64 बिट। उसके बाद मेरा विंडो कौन सी है, विंडो 11, ठीक है। अब ये तीन स्पेसिफिकेशन जो कि मुझे देखनी चाहिए थी वो मैंने देखनी है। एडोब फोटोशॉप CS5 ये नहीं डाउनलोड करना, एडोब फोटोशॉप ये भी नहीं है, ये है 2022, 2021, 2023। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2023 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो देखूं, और इस ये मेरा 2022 23 वर्जन मैंने ओपन किया है। इसके बाद पहले मैं इसकी स्पेसिफिकेशन देखूंगी, इसके फीचर्स देखूंगी कि इसमें कितनी रैम और कितना सब कुछ रिक्वायर्ड है। एडोब फोटोशॉप 2023 टेक्निकल सेटअप, इसकी जो फाइल साइज है वो कितना है, 3.2 GB, ठीक है, 64 बिट इसका प्रोसेसर होना चाहिए, और बाकी जो स्पेसिफिकेशन मेरे सिस्टम की रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखी हुई है। काइंडली आप लोग अपने कैमरा और बाकी जो माइक वगैरह वो ऑफ रखें, ठीक है। जिशान भाई आप लोग आप अपना प्लीज कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा ये देखिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमारे एडोब फोटोशॉप 2023 के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कौन सी होनी चाहिए, विंडो 10 होनी चाहिए, और 64 बिट आपका प्रोसेसर होना चाहिए। मैं सेटिंग्स में देखती हूँ, 64 बिट प्रोसेसर विंडो 10 होनी चाहिए, मेरी तो एक्स्ट्रा है विंडो 11 है, तो मैं ये डाउनलोड कर सकती हूँ। पहले दो तो चलो हो गए। रैम कितनी होनी चाहिए, 8 GB रैम रिक्वायर्ड है। मेरी रैम कितनी है, मेरी तो 32 GB है, ठीक है, ये भी डन हो गया। हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, 4 GB, अब ये रिक्वायर्ड है। हार्ड डिस्क का मुझे आइडिया नहीं है, बट रैम रैम में भी हमारी इतनी ही ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हार्ड डिस्क सिर्फ ये 2023 वाले वर्जन में है, रैम बाकी सब में रिक्वायर है। और उसके बाद प्रोसेसर मल्टी कोर 64 बिट वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंगली है। बट अगर इन केस मेरा मेरा तो 32 GB है ना, किसी का होगा 18 GB, किसी का होगा 12, गेट इन टू पीसी की वेबसाइट है, किसी का 12 GB होता है, किसी का उससे भी कम का मतलब होता है, 8 GB तक की मतलब रैम होती है, किसी की 4 GB भी होती है। तो अगर किसी की 4 GB रैम है तो क्या वो एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर सकता है? अब 2023 में 4 GB रैम रिक्वायर है, ठीक है, 4 GB रैम रिक्वायर है। अगर किसी की 4 GB रैम यानी पूरे सॉफ्टवेयर की मतलब पूरे लैपटॉप की आपके प्रोसेसर की 4 GB रैम है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे? मैं फोटोशॉप दोबारा से सर्च कर रही हूँ, मैं कोई कम जो यानी पुराना जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करूंगी, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कम होगी, काम वो भी वैसे ही करता है, फीचर सारे वही है, बस ये है कि इसमें थोड़े से लेटेस्ट फीचर्स आ गए हैं जो कि आपके मल्टीटास्किंग को एक यानी कम कर देंगे, आपके टाइम को कंज्यूम करने में कम कर देंगे। मैंने ये सारे टूल एक्सप्लोर किए हैं, मैंने 18 से 2023 तक सारे टूल्स एक्सप्लोर करके देखी हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है कि जो 2 मिनट आपके ज्यादा लगने हैं 2018 पे वो आपके ये बता देगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करनी है किसी इमेज की 2018 में, उसमें लग जाएंगे हमें कोई 10 मिनट लग जाएंगे या 15 मिनट लग जाएंगे, पर 2023 में वो 2 मिनट का काम है।
ये बिल्कुल बस एक डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ऐड कर दिए गए 2018 में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अगर हम यानी कोई प्रोसेस करें तो उसके लिए 2-3 स्टेप का प्रोसेस है, बट अगर 2023 की बात करें तो ये 1 क्लिक के ऊपर हमें बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बट मैंने भी 2023 डाउनलोड नहीं किया, हालांकि मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप दोबारा से ज्वाइन करें साथ, मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, बट एडोब फोटोशॉप एक बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। आप इसको जितना कम यानी कैपेसिटी का डाउनलोड कर सकते हैं उतना करिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके लैपटॉप की जो स्पेस है या कंप्यूटर की जो स्पेस है वो है 4 GB, तो आपको मैं प्रेफर करूंगी 2018 से स्टार्ट करें, ठीक है? आप फोटोशॉप 2018 लिखती हूँ मैं, अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो। क्या फोटोशॉप 2018? ये देखें 2018 आ गया, ये है, ये तो ठीक है, ये भी पोर्टेबल है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी टोटल रिक्वायरमेंट इसके सेटअप की 2 GB है। अच्छा, हमारी मेमोरी कितनी होनी चाहिए? 2 GB। हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए? 2 GB। विंडोज 7, 8 और 8.1 और 10, ठीक है, ये चल जाएगी। और इंटेल कोर 2 डुओ और लेटर, ठीक है, डुअल जो प्रोसेसर है इंटेल कोर 2 का, वो आपका रिक्वायर है। मतलब कम से कम भी जिसका स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, वो बंदा भी डाउनलोड कर सकता है इसको इजीली, ठीक है? और मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर जो 2018 वाला है वो बहुत बहुत जबरदस्त है, इसमें ज्यादा फीचर है। अब जो 2023 है वहां पे आपको आइकन्स मतलब टूल्स तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बट जो कि 2018 वाला सॉफ्टवेयर है ना, इसमें जो टूल्स है वो 2018 में भी और 2023 में भी, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि 2018 डाउनलोड करें। मैं खुद आपको 2018 से ही सिखाऊंगी, क्योंकि ये सबके अकॉर्डिंगली चलना होगा, क्योंकि ये सबसे कम सॉफ्टवेयर है, कम कैपेसिटी वाला और कम थोड़ी सी स्पीड वाला। अब डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है? डाउनलोड आप लोगों ने अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख ली, इसकी स्पेसिफिकेशन देख ली और मैच कर लिया कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, आपको कौन से वाला चाहिए, 32 बिट वाला या 64 बिट वाला? मैं 64 बिट वाला करूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर 64 बिट का है। ये मैं डाउनलोड कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक इसका डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इसका डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट ये टेक करेगा, बल्कि 30 मिनट से भी बहुत ज्यादा टाइम लेगा, 1 घंटा 2 घंटे कहीं नहीं गए। तो अभी मैं इसको डाउनलोड पे पूरा लेक्चर तो कंटिन्यू नहीं कर सकती, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक फोल्डर की फॉर्मेट में ये आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। मे भी मुझे मिल जाए यहाँ पे डाउनलोड्स में, फोटोशॉप हाँ। इसके अलावा एक सेकेंड, एक चीज रह गई है हमारी, फोटोशॉप के साथ साथ या जो भी ऐप आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करते हो उसके साथ साथ आपको एक और चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो है विन आर ए आर, ठीक है? विन आर ए आर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, यानी एंटर करें गूगल पर सर्च करके, विन आर ए आर की वेबसाइट आपको नजर आएगी। विन आर ए आर क्या है? ये आपके फोल्डर को सॉफ्टवेयर फॉर्म में आपको ओपन करके देगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से, आपने गूगल पे डायरेक्ट लिखना है फ्री डाउनलोड, विन आर ए आर फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। जो फर्स्ट वाला लिंक होगा ना फ्री डाउनलोड वाला, आपने उसी के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, ये फ्री डाउनलोड वाला लिंक आ गया, डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड करोगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मेट्स बताए हैं, 64 बिट या 32 बिट। 64 बिट वाला डाउनलोड करो विंडोज के लिए, ठीक है, यहाँ पे साइज भी लिखे हुए हैं, 3 GB का मेरे ख्याल से होगा, 3 GB तो नहीं, उससे कम ही होगा मेरे ख्याल से, MB के अकॉर्डिंगली आएगा, 35 MB इस तरीके से आएगा।
आपने 64 बिट या 32 बिट के अकॉर्डिंगली इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे अभी फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ था, ये देखें इस तरीके से आपके पास फोल्डर आएगा। मैं दोबारा से इसका स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, ये इसके साथ आइकन आएगा। अगर आप WinRAR डाउनलोड नहीं करते इनके, तो आपके पास ये आइकन नहीं आएगा, सिर्फ ये फोल्डर में आएगा। फोल्डर में आएगा, आप उसको ओपन करोगे, वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में होगा, वो इस तरीके से फाइल फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। अगर आप इस फुल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए बगैर यूज करते हो, मतलब आप ओपन करने की कोशिश करते हो ना। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, जब हम डाउनलोड करने लगते हैं, डाउनलोड के नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड 123। जब आप इस फोल्डर को ओपन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भी डाउनलोड किया गेट इन टू पीसी से, तो यहाँ पे ये एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आता है। एंटर पासवर्ड में जाके आपने 123 पासवर्ड लगा देना है, देन ओके। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, ये मेरे पास फोल्डर आ गया, ये मेरे पास ऑफिस की एक्सटेंशंस आ गई। मुझे कौन से वाला ऑफिस करना है, मैं किसी एक पर भी डबल क्लिक करूंगी तो ये डाउनलोड होना ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट का प्रोसेस आएगा, देन ऑटोमेटिकली ये आपके पास लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉप फोटोशॉप की ऐप मेरे पास यहाँ पर आ गई, आपकी मेन स्क्रीन पर ही आ जाएगी। और अगर मेन स्क्रीन में नहीं शो हो रही आपको डाउनलोड के बाद, आप यहाँ पे सर्च में जाके लिखोगे फोटोशॉप, ठीक है, एडोब फोटोशॉप लिखोगे और आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ओपन होने में भी इसके थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने इसका कम से कम वाला वर्जन डाउनलोड करना है, 2018 ही करिएगा। मैं सबको 2018 से ही सिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अभी 2022 है, बट मैं आप लोगों को 2018 वाला ही सिखाऊंगी। ये डॉब फोटोशॉप हमारे पास हो गया ओपन। इसको ओपन होने में भी टाइम लगता है, इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करती है, आपके लैपटॉप की स्पेस भी मैटर करती है, कैपेसिटी भी मैटर करती है, प्रोसेसर भी मैटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ओपन होगा। अच्छा, आप देखें यहाँ भी आपको एक पैनल नजर आ रहा है। जो लोग एडोब इलस्ट्रेटर जानते हैं वो ये जानते होंगे कि यहाँ पे हमें कुछ हमारे फॉर्मेट्स नजर आ रहे होते हैं। फॉर्मेट्स किस चीज के, कि हम लोगों ने जो आर्टबोर्ड लेना है, जिसके ऊपर ड्राइंग करनी है, वो कौन सा होगा, मतलब कितना साइज होगा उसका। तो यहाँ भी हमें फॉर्मेट नहीं नजर आ रहे, क्योंकि मैंने आपको बोला ये फोटोशॉप है, इसमें फोटो एडिटिंग होती है। ये बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बनाया ही इसलिए गया है कि इसके ऊपर हम पिक्चर एडिटिंग कर सकें, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आपको फर्स्ट पेज पे ही ये चीज नजर आ रही है। हाँ, एक और चीज मैं सजेस्ट आपको करना चाह रही हूँ, एक और ऐप आप जो डाउनलोड कर लें वो है क्रिएटिव क्लाउड की। मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी आप सिंपली गूगल से जाके डाउनलोड करोगे। अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो आप जितने भी डिजाइन बना लेते हो, वो कभी डिलीट नहीं होंगे, कभी लाइफ टाइम डिलीट नहीं होंगे। आपने जो भी डिजाइनिंग की है, वो आपके एडोब के ये क्रिएटिव क्लाउड में पड़ी रहेगी। एडोब की वेबसाइट पे बेसिकली आपने जाके साइन अप करना है, ये देखिए एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ये इसकी वेबसाइट है। बट आपने यहाँ पर फ्री डाउनलोड लिखना है, यहाँ पर भी डाउनलोड एडोब क्रिएटिव क्लाउड एप्स, इसके ऊपर क्लिक करें, डायरेक्ट आपके पास डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने साइन अप भी कर लेना, ठीक है। आप इसको साइन अप कर लोगे तो ये डायरेक्ट आपके एडोब फोटोशॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आप क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड कर लोगे, तो आपके डिजाइन कभी डिलीट नहीं होंगे, ठीक है, कहीं गायब नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्रिएटिव क्लाउड को जब साइन अप करोगे और आप अपने फोटोशॉप को डाउनलोड करोगे, उसके बाद क्रिएटिव क्लाउड पहले डाउनलोड होगा, साइन अप भी पहले होगा, उसके बाद आप अपना फोटोशॉप ओपन करो। फोटोशॉप ओपन करते साथ ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है क्रिएटिव क्लाउड से अटैच हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे भी मेरा अकाउंट शो हो रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया
एडोब की तरफ से जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोशॉप आ गया और ये डायरेक्ट मेरा अकाउंट है। अच्छा, अब ये मैंने ये भी अटैच कर लिया, मैंने डाउनलोड कर ली तीनों ऐप्स, मेरा फोटोशॉप भी डाउनलोड हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, ये हमारा एडोब का होम है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप का होम है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ये हमारा मेन्यू बार है, यहाँ पे हमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर टाइप, सिलेक्ट, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। बट इनको हम यूज कब कर सकते हैं? इनको हम यूज करेंगे तब जब हम डिजाइनिंग करें। अभी यहाँ पे हमारी जो दो चीजें हमारे काम की हैं वो है क्रिएट न्यू और ओपन। ठीक है, अगर आपने खुद से कोई पिक्चर बनानी है, खुद से कोई चीज बनानी है, देन आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे। ठीक है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट करोगे कि आपको आर्टबोर्ड कितना चाहिए, आपकी जो पिक्चर है उसका साइज क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000x1000 पिक्सल्स लेते हो, ये एक बहुत छोटा साइज है, मैं पहले ही बता रही हूँ ये बहुत छोटा साइज है, और इसमें बिल्कुल छोटी छोटी पिक्सल्स आपकी आएंगी। 1000x2000 मोबाइल के लिए स्क्रीन होती है। ठीक है, RGB कलर्स होंगे, या बिट आपने यहाँ पे जितनी बिट है उतनी रहने दीजिएगा, रेजोल्यूशन भी जितनी है उतनी रहने दीजिएगा, ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, इनको मत छेड़िएगा। और जो आपके बैकग्राउंड का कलर है वो भी यही रहने दीजिएगा व्हाइट, ताकि आपको सारी चीजें डिटेल से नजर आ जाए। ठीक है, विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से फॉर्मेट टाइप भी। यहाँ से आपने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको साइज किस में चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे जो पिक्सल्स के अलावा जितने भी साइजेस हैं वो सारे प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। पिक्सल्स होता है स्क्रीन पर्पस के लिए। ठीक है, आप स्क्रीन के लिए कोई भी किसी भी किस्म की एडिटिंग कर रहे हो तो आपने पिक्सल्स का फॉर्मेट सिलेक्ट कर, विड्थ में भी और हाइट में भी पिक्सल्स का फॉर्मेट सिलेक्ट कर। तो हम लोग स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं क्योंकि फोटोज ज्यादातर स्क्रीन के लिए यूज होते हैं, तो हम लोग पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, देन क्रिएट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैंने आपको बोला है फोटोशॉप एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। अब ये देखें, ये ओपन हो गया है क्रिएट न्यू का एक आर्ट बोर्ड, ये एक आर्ट बोर्ड ओपन हुआ है जिसके ऊपर हम अपनी मर्जी से डिजाइनिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं वापस होम पर जाऊं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ओपन का, क्रिएट न्यू में तो हम आर्टबोर्ड बना सकते हैं ना अपनी मर्जी का, अगर हमने ड्राइंग अपनी मर्जी की करनी है। बट अगर हम लोगों ने ड्राइंग अपनी मर्जी की नहीं करनी, हमने कोई पिक्चर को डायरेक्ट एडिट करना है, ऑलरेडी हमारे पास पिक्चर है, हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं। हाँ जी, लेक्चर शेयर होगा, ग्रुप में ही शेयर होगा डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी पिक्चर मौजूद है और हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, देन हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस केस में हमारे पास पिक्चर ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए, पिक्चर हमारी गैलरी में मौजूद होनी चाहिए, मैं ओपन पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करती हूँ जिसको मैंने एडिट करना है, लाइक दिस वन, मुझे इस पिक्चर को एडिट करना है, ये मैंने पिक्चर ओपन कर ली। इसमें आर्टबोर्ड जो पीछे यूज होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है। अब जो फोटोशॉप है उसमें मैंने दो आपको बता दिए, होम पर जाती हूँ दोबारा, अगर आपने खुद से डिजाइनिंग करनी है तो आप क्रिएट न्यू करोगे, और अगर आपने किसी पिक्चर को एडिट करना है तो आप ओपन करोगे। ठीक है, अब मैं दोबारा बैक जा रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों टैब ओपन किए हैं। अब यहाँ पे कुछ स्क्रीन के बारे में आपको कुछ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको सारे टूल्स नजर आ रहे हैं, ये सब के सब हमारे टूल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग अपना 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 काम करेंगे, अपनी डिजाइनिंग सीखेंगे। ये मेन्यू बार है, ठीक है, ये भी हमारा टूल बार है, और ये हमारा टैब बार है, ठीक है, जिसमें हमारे टैब्स ओपन होंगे। जैसे हम क्रोम खोलते हैं ना, ये देखिए मैंने क्रोम खोला, ये हमारे टैब्स हैं, ये सारे हमारे टैब्स हैं। उसी तरह फोटोशॉप में हम जिस पर काम कर रहे हैं हम वो वाला टैब सिलेक्ट करके उसमें काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे टैब्स होते हैं। अभी मैंने दो टैब ओपन किए हुए हैं जिसमें एक पे हमारे पास आर्टबोर्ड है,
और एक पे हमारे पास पिक्चर है, ठीक है, एक पे आर्टबोर्ड है, एक पे पिक्चर है, और ऊपर आपको कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स नजर आएंगी जिनको इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से सीखेंगे। अब साइड पे अगर आप लोग नोट करो तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब की सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे आर्टबोर्ड डिजाइनिंग सारी आर्टबोर्ड पे होती है, चाहे हम इसको ओपन करें चाहे हम इसको क्रिएट करें, तो ये डिजाइनिंग आर्टबोर्ड के ऊपर ही होती है। कोई भी डिजाइनिंग और एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो, वो डिजाइनिंग आर्टबोर्ड के ऊपर होगी, ठीक है। आर्टबोर्ड से मुराद जो पीछे जो साइज है, यानी एक्चुअल जो पिक्चर का साइज है, उसके पीछे एक और इमेज होगा, उसके पीछे एक और बैकग्राउंड होगी, वो बैकग्राउंड हमारा आर्टबोर्ड कहलाती है। और हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे राइट साइड पे शो होती है, ठीक है। अभी इस फोटो में जो भी कलर्स हैं वो कलर्स हमें यहाँ पे शो होंगे। उसके अलावा जो स्वेचेज हैं ये इंशाल्लाह डिटेल से भरेंगे, ग्रेडियंट्स है, पैटर्न है, जो जो चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर ओपन करो यहाँ पे आपको मजीद कुछ चीजें नजर आएंगी, ये भी डिटेल से भरने वाली है, आज मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। नीचे थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का बकायदा आइकन नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज का बकायदा आइकन नजर आ रहा है, अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास सिर्फ शो हो रही है आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज, कैनवास की प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम ड्रॉइंग जिस पे करते हैं उसको कैनवास या आर्टबोर्ड बोला जाता है ना, तो ये हमारे कैनवास या आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज है, जिसकी हाइट और विथ ये है, ठीक है, ये हमारे पिक्चर की हाइट और विथ है। हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमारे जो पिक्चर है उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और वो पोर्ट्रेट मोड में है या लैंडस्केप मोड में। ये पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड है, ठीक है। कलर कौन से यूज हुए हैं, RGB, और बिट्स कितने हैं, 8 8 बिट, ठीक है। उसके अलावा रूलर्स और गाइड्स अगर आपने ओपन करनी है तो वो यहाँ से होंगी, गाइड्स हैं। इमेज का साइज क्या है, क्रॉप करना है, ये सारी चीजें यहाँ। उसके बाद एडजस्टमेंट आ रही है लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज का ऑप्शन सिर्फ उस बंदे को शो हो सकता है जिसने अपने एडोब को क्रिएटिव क्लाउड से अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पिक्चर डिजाइन की है, उसको आप बाद में फ्यूचर टाइम के लिए यूज करना चाह रहे हो, और आप अपने लैपटॉप में नहीं सेव करना चाह रहे, अपनी स्पेस नहीं बनाना चाह रहे, आप उसको लाइब्रेरीज में सेव करोगे, लाइब्रेरीज में सेव करोगे, बट उसके लिए आपका एडोब का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, एडोब का अकाउंट मस्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे एक और हमें नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि लेयर्स का ऑप्शन है। एडोब फोटोशॉप में हम कोई भी काम करते हैं वो लेयर्स की सूरत में काम होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग एक ये ब्रश टूल देख रहे हो, ठीक है, ये ब्रश टूल है, मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करती हूँ, मैंने ब्रश सिलेक्ट किया और एक डॉट लगा दिया, और एक सेकेंड मैं यहाँ पे डॉट भी लगाना चाहती हूँ, ये मेरी डायरेक्ट बैकग्राउंड पे आ गया, मैं इस डॉट को दोबारा मूव नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर दिया है। अगर मैंने इस डॉट को मूव करना है तो उसके लिए मुझे लेयर बनानी पड़ेगी, एक न्यू लेयर यहाँ से बनाऊंगी, देन मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगी, देन मैं इसको सिलेक्शन टूल से मूव कर सकती हूँ। आपने कोई भी काम करना है तो लेयर की सूरत में यहाँ पे काम होता है, आप लोग अपनी मर्जी से फ्रीली इसके ऊपर मूव नहीं कर सकते हो, आपको लेयर्स को समझना पड़ेगा, लेयर्स पर काम कैसे करते हैं वो चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं इस लेयर को बैकग्राउंड के भी नीचे कर दूं, बैकग्राउंड के नीचे वैसे जाएगा नहीं, बैकग्राउंड लास्ट लेयर होती है हमारी, हमेशा बैकग्राउंड लास्ट लेयर होती है, बट अगर एक और बैकग्राउंड मैं ऐड करना चाहूँ तो एक और बैकग्राउंड मैं इसके ऊपर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक शेप बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और बैकग्राउंड ऐड कर सकती हूँ जो कि मैंने पीछे ऐड करी, ठीक है, ये मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया, ठीक है, ये एक और बैकग्राउंड ऐड होगी, ये सारा काम लेयर की सूरत में होगा, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, कंट्रोल जी से अंडू होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ कीज याद रखनी पड़ेंगी जो कि है कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल जी अंडू के लिए, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, स्पेस की, शिफ्ट की, इन सब पे आपकी कमांड होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इन चीजों की तरफ भी जाएंगे, बट अभी के लिए आपका इस टूल को समझना जरूरी है।
ठीक है, ये हमारा एडोब फोटोशॉप है, और इसके ऊपर हम सारी पिक्चर एडिटिंग सीखेंगे और सारी डिजाइनिंग सीखेंगे। हमारी मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी हर वीक, ठीक है, पूरा मंथ का ये सेशन है, मैं पूरा 5 वीक का कोर्स करवाऊंगी आपको प्रॉपर, ठीक है। मंडे टू थर्सडे क्लासेस होंगी हमारी डेली 9:30 to 10:30, 10:30 तो नहीं, 45 मिनट्स की क्लास होगी जूम की टाइमिंग की, ठीक है, जूम की अकॉर्डिंगली हमारी टाइमिंग चलेगी। जूम की क्लास की टाइमिंग 45 मिनट्स होती है, हम भी 45 मिनट्स के अंदर कोशिश करेंगे अपना सिलेबस कवर करने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए, आज आप लोग अपना फोटोशॉप इंस्टॉल करो, ठीक है, और इसके ऊपर जो जो मैंने अकाउंट बोले हैं क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करो और इसे अटैच करो, और उसके अलावा जो विन आर आ रहा है वो भी आप लोगों ने लाजमी डाउनलोड करना है, और सबको मैं यही बता रही हूँ बार बार कि आप लोगों ने 2018 वाला वर्जन डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने यही सिखाना है आपको, क्योंकि ये बेस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग हो सकती है और बहुत अच्छी एडिटिंग हो सकती है। जो टूल्स 2018 में, ये मेरे पास 2022 का वर्जन है, इसमें भी नहीं है वो जो 2018 वाले में है, सो हम 2018 वाले पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों का फर्स्ट टास्क है कि आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप की ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके साथ क्रिएटिव क्लाउड अटैच करना है, देन उसके साथ यानी विन आर ए आर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, 2018 वाला वर्जन डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना इनबॉक्स में कि मैम डाउनलोड हो गया है, क्रिएटिव क्लाउड अटैच हो गया। किसी की क्वेरीज हो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। न्यू लेयर बनानी पड़ेगी, क्या आप लोग मेरा नंबर नोट कर लें, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है जब आप लोगों का ये काम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके, ये ले 0333-3698, यहाँ पे भी मैं सेंड कर रही हूँ मेरा नंबर, जब आप लोग डाउनलोड कर लो, आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।